नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अभी मैं घर के बाहर खड़ा हूँ और आज आपको पक्षियों का वो चुग्गा पत्र बताऊँगा जो मैंने पक्षियों के लिए लगाया था। तब वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना। अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो मेरे मोबाइल के सामने के कैमरे से बना रहा हूँ, और जो पक्षियों का चुग्गा पत्र दिखाऊंगा उस समय मैं अपने मोबाइल के पीछे के कैमरे से वीडियो बनाऊंगा ताकि वीडियो साफ दिखाई दे। तब वीडियो को पूरा देखना। अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पर कौन कौन से पक्षी चुग्गा चुगने आते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। तो यहाँ पर पक्षी दाना पत्थर में दाना चुग रहे हैं, और यहाँ पर पक्षियों के लिए पीने के पानी का भी एक पात्र लगाया है जिसमें पक्षी पानी पी रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए एक तोता आकर बैठा है और ये भी दाना खा रहा है। ये तो बहुत ही जल्दी जल्दी से दाना खा रहा है। देखिए तोते को। तो यहाँ पर बहुत सारे पक्षी दाना चुगने आते हैं। तोता भी आता है और घरेलू चिड़िया भी आती हैं जिसे हम गौरैया कहते हैं, और जो खेतों में रहती हैं वो भी चिड़िया यहाँ पर दाना चुगने आती हैं। तो ये देखिए इधर, ये घरेलू चिड़िया ऊपर दिख रही है, दाना चुग रही है, और वो एक चिड़िया पानी पीकर उड़ गई। तो यहाँ पर एक भूरे रंग का पक्षी पानी पी रहा है, और ये यहाँ पर काले रंग का पक्षी है, ये भी पानी पी रहा है, और ये ऊपर दाना पत्थर में घरेलू पक्षी गौरैया है जो दाना चुग रही हैं। तो यहाँ पर दो पक्षी पानी पीने के लिए आए हैं जो पानी के पत्थर में पानी पी रहे हैं। तो हमारे यहाँ पर तीतर भी आते हैं। यह जो आपको दिख रहे हैं ये तीतर हैं, ये तीन तीतर हैं, और ये भी यहाँ पर दाना चुगने आते हैं। ये हमारे घर के अंदर पानी का पात्र रखा हुआ है और यहाँ पर पक्षी पानी पीने आते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक ये काले रंग का पक्षी और एक ये भूरे रंग का पक्षी, ये दोनों पानी पी रहे हैं, और ये वो एक तीसरा पक्षी भी पानी पीने आ गया है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।